मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र की एक छात्रा ने दबंगों से परेशान होकर स्कूल छोड़ दिया है। दबंग युवकों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। छात्रा के परिजनों ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी का कहना है कि सारे मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी है। जांच आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार सुबह सरूरपुर थाना क्षेत्र से एक छात्रा अपने परिजनों के साथ बिलखती हुई एसएसपी ऑफिस पहुंची। उसने एसएसपी से मुलाकात करते हुए आरोप लगाया है कि उसी के गांव के कुछ युवक पिछले कई दिनों से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब उसने विरोध किया तो दबंग युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की। छात्रा ने डर के मारे स्कूल छोड़ दिया है। एसएसपी ने सारे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी देहात को सारे मामले की जांच दी है। एसएसपी का कहना है कि जांच आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुझे एक लड़का स्कूल के टाइम से बहुत परेशान कर रहा था, दो साल से, काफी 2.5 साल हो गए अब। मैंने इसकी वजह से स्कूल भी जाना बंद कर दिया। तो कभी मारने की धमकी देता है, कभी भाई को मारने की धमकी देता है, कभी कहता है तुझे तेरे ऊपर ऐसे डाल दूंगा, तुझे जला दूंगा, ऐसी ऐसी धमकी देता है वो। पता नहीं, आपने जाना बंद, पढ़ाई छोड़ दी? 2 साल से मेरी पढ़ाई भी बंद हो रही है, उसकी वजह से अंदर बाहर जाना भी बंद कर दिया मैंने उसके डर की वजह से। कहीं कंप्लेंट की थी आप? करते हैं, फिर गांव वाले समझाते, मेरे अब्बू अम्मी को ये मना कर देते हैं। फिर कई बार वो जेल भी जा चुका है पर वो छूट जाता है। क्या नाम उसका? दिलसाद। सरूरपुर आने गए थे, वहाँ शिकायत करी? नहीं जी, गांव वाले जाने ही नहीं देते, वहीं पे रोक ले, वहीं पे फैसला कर दे, पर अब के तो ज़्यादा ही हद कर दी। देखिए, इसमें आज एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। ये सरूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। अभी उम्र के संबंध में कोई भी प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। ये अभी क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता है कि नाबालिग लड़की है। और दूसरी चीज़ कि इनके सेम समुदाय का ही एक दूसरे लड़के के ऊपर आरोप लगाया गया है। और जो लड़की है, इससे बातचीत में ये बात निकल के आई है कि लड़के के साथ इनके कुछ समय तक लगातार बातचीत होती थी। अभी बातचीत बंद हो गई है, जिसके बाद ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें मौके पर भेजकर पूरे प्रकरण की जाँच करवाई जा रही है। जाँच के हिसाब से जो भी तथ्य निकल के आएंगे, उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।